द बॉडी ऑफ लॉ देट गवर्न सेफ्टी एंड हेल्थिशन इवॉल्व कंटिन्यूली कॉन्टीन्यूस बेसिस के ऊपर इन चीज़ों में बेहतरी आ रही है विदेज ऑफ टाइम अगर ये स्टूडेंट्स आज से टेन डिकेड्स पीछे चला जाए यानी कि एक सेंचुरी पीछे चले जाए तो उस वक्त ये लेजिशन इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज हैं क्यों आज ये बेहतर हैं क्योंकि एक दहाई से पीछे एक सेंचुरी के अंदर इसके अंदर कंटिन्यूस इंप्रोवमेंट आई है जिस वजह से आज हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी यही होती है कंटिन्यूस इंप्रोवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस प्रोडक्शन एंड सिस्टम तो यहाँ पे जो लाज हैं उसके अंदर भी काफ़ी बेहतरी हो चुकी है हाउ एवर इवन दो केसिस दैट सेट न्यू प्रेसिडेंट्स एंड एस्टेबलिश न्यू प्रिंसि कंटिन्यू टू अक्र बाज़ात ऐसा नहीं होता कि जो पहले कोई इवेंट अक्ल हुआ वैसा ही अगला इवेंट अक्ल होगा हर दफ़ा नया इवेंट भी अक्ल हो सकता है और हर इवेंट को डील करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है जैसे कि कोर्ट केसेस होते हैं अगर आपको केस कोर्ट में लेके जाते हैं सम टाइम उसी नेचर का कोर्ट केस पहले हो चुका होता है जिसको एज अ प्रेसिडेंट यूज़ किया जा सकता है बट इट विल नॉट अकर ऑल द टाइम सम टाइम यू हैव टू फेस एंड डील द न्यू सिचुएशन और नई सिचुएशन के मुताबिक उसके पीछे जो लेजिस्लेशन है कानून साजी है वो हमें हेल्प करती है उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है कैसे उससे बाहर निकलना है फॉर एग्जाम्पल लॉस एंड लेबिलिटी विद रेलवेंट टू दीज पॉइंट नेगलीजेंस गफलत हो गई एम्प्लॉय की तरफ से एम्प्लाइज की तरफ से हाउ टू डील विद दिस नेग्लिजेंस फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑडिट करवाते हैं किसी कंपनी का और उसका ऑडिट करने वाला बंदा है चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी गलती हो सकती है क्या वो नेगलिजेंस उसकी इंटेंशनल थी या अन इंटेंशनल थी तो इन दोनों चीज़ों को लेके भी उसके नेग्लिजेंस को कवर किया जा सकता है चेक किया जा सकता है उसको पेनालाइज पिनालाइज या पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एबिलिटी टू पे द थिंग्स फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं से लोन लिया हुआ है तो ये मेरी लाइबिलिटी है आई हैव टू पे दैट लोन अब उस लोन को सेटल कैसे करना है टैकल कैसे करना है मैनेज कैसे करना है तो ये बेसिकली लॉज एंड लाइबिलिटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लायर इंप्लाइज टॉप मैनेजमेंट इंड सब के शोल्डर्स पे होती हैं क्लियर हम अपने एम्प्लॉयज़ की केयर नहीं करते उनकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रखते कि काम के ऊपर बहुत ज़्यादा उन पर बर्डन डाल देते हैं जिसकी वजह से वो जब घर जाते हैं तो इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं तो वो जैसे ही गए वहाँ पर रेस्ट किया वापस फिर आ गए जबकि वो अपनी लेयर टाइम जो स्पेंडिंग है अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ बीवी के साथ वो सही स्पेंड नहीं कर सकते इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉरन कंट्रीज़ में डी ये स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आर्गनाइजेशन जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं वो अपने इंप्लॉइज़ को प्रॉपर हॉलीडेज़ पर भेजते हैं विद फैमिलीज़ ताकि वो जो एक्टिविटीज़ पूरा साल उन्होंने परफॉर्म की उससे एग्जॉस्ट हो चुके हैं उनको अवॉइड करने के लिए वो एक अच्छी वेल बैलेंस वर्क बैलेंस लाइफ डिवेल्प कर सकें एबिलिटी टू पे द लोन ये अक्सर कंपनियों में देखा गया है कि इम्प्लॉयज़ लोन ले लेते हैं लेकिन वो पे करने की पोजीशन में नहीं होते तो ये केस अदालतों में चले जाते हैं फिर अदालतें उनकी से, उनकी सेटलमेंट करवाती हैं कि वट इज़ योर एबिलिटी टू पे बैक द लोन आपकी एबिलिटी कितनी है उस हिसाब से वो उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान बना देते हैं ताकि एम्प्ल आसानी के साथ लोन भी पे कर सके और अपने घर के अखराजात को भी मीट कर सके डैमेज़ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में डैमेज हो जाता है किसी किस्म का एम्प्लई की तरफ से उसकी क्या लैबिलिटी है या एम्प्लॉय ऑर्गनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई के डैमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा उस बंदे के ऊपर फाइन इम्पोज तो नहीं कर रहा या एम्प्लॉयर उसको डील कैसे कर रहा है इन चीज़ों को भी लेजिस्लेशन देखती है और वो बताती है कि ये विलफुली डैमेज था कि या अन इंटेंशनली डैमेज था अप्रोक्सीमेट काज विलफुल कंडक्ट टॉट फोर्बिलिटी ये डी ए स्टूडेंट जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं इन सब का तलक लाज एंड लबिलिटी के साथ है और इनका मकसद है तो वो ये मकसद है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिवेल्प हैं डिजाइंड हैं पहले से प्री डिसाइड्स हैं और आई एस ओ की सर्टिफिकेशन के मुताबिक हैं या इसके अलावा आगे अगर चले से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स में हैं अगर उसमें नहीं जो अलाइड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके स्टैंडर्ड्स में हैं अगर उन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर लॉज एंड लैबिलिटीज़ के हवाले से काफ़ी हद हाँ तक आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और आर्गनाइजेशन में अक्सर ऐसे होगा अगर कोई प्रॉब्लम पैदा होती है किसी किस्म की तो उसके स्टैंडर्ड्स मौजूद होंगे उन स्टैंडर्ड्स की मदद से उन चीज़ों की सेटलमेंट हो सकती है अगर उन स्टैंडर्ड्स से आपको हेल्प नहीं मिलती तो आप अपने जो लीगल कंसल्टेंट हैं उनसे हेल्प लेके या जो प्रोफेशनल है, है, बॉडीज़ हैं प्रोफेशनल ऑर्गनाइजेशन हैं जो आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के रीजनल ऑफिसज़ हैं वहाँ से आप हेल्प लेके उनको सार्ट आउट कर सकते हैं अगर वहाँ पर भी, भी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो जिन ऑर्गेनाइजेशन से आपने सर्टिफिकेशन ली होती हैं वो प्रॉब्लम उनसे शेयर करके भी उनका सोल्यूशन लिया जा सकता है ताकि अल्टीमेट मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपनी हेल्थ सेफ्टी के लाज एंड रेगुलेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें